खुद को मिटता देख रहा हूँ, खुद को मिटता देख रहा हूँ। दूर तक है धुंधले सवेरे, दूर तक है धुंधले सवेरे, मेरे लिए तो दिन भी अंधेरे, मेरे लिए तो दिन भी अंधेरे। रोशन है बस जख्म ही मेरे, खुद को मिटता देख रहा हूँ, खुद को मिटता देख रहा हूँ, खुद को मिटता देख रहा हूँ। माणिक सो गया? हाँ, आपका इंतजार करते करते सो गया। क्या हुआ, इतनी देर कहाँ लगा दी, कुछ काम मिला? हरामजादों ने जमीन लेते समय कहा था कि फैक्ट्री लग जाने पर सबको काम मिलेगा, और आज जब काम मांगने गया तो कहते हैं सारे मजदूर भर्ती कर लिए गए, अब हमें काम नहीं मिलेगा। अरे, ऐसे कैसे काम नहीं देंगे, बाप का राज है क्या? जमीन ली है उन्होंने हमारी। कहते हैं वो जमीन हमारी नहीं है। लेकिन वो कागज उसने लिख के दिया था हमें। वो सब फर्जी था। फर्जी है? तुमने पुलिस से नहीं बताया? अरे सब मिले हुए हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर हमने आवाज उठाई तो मार दिए जाएंगे। वो बड़े लोग हैं, उनसे टकराने का कोई मतलब नहीं। तो तुम कुछ करोगे नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे? तो क्या करूं, गोली खाऊं मादरचोद? तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ इंतजाम मैं कर लूंगा। तू खाना लगा, भूख लगी है। खाना तो मैंने बनाया ही नहीं, क्या? हरामजादों कुछ बनाने को था ही नहीं, बनिए ने भी उधार देने से सारे दिन धूप में काम करके मेरी हालत खराब हो जाती है और तू खाने का इंतजाम नहीं कर सकती? कहां से करूं इंतजाम? जबान मत चलाना वरना काट के रख दूंगा, समझ में आया कि नहीं? जब जलना ही नहीं है तो ये चूल्हा यहाँ क्यों रखा है? क्यों क्यों रखा है ये चूल्हा यहाँ? चूल्हा काहे तोड़ रहे हो? काहे तोड़ रहे हो चूल्हा? हट जा यहाँ से, ये बर्तन बर्तन क्यों रखे हैं? हट जा मैं कहता हूँ, हट जा यहाँ से, ये बर्तन बेच डाली से। क्यों पटक रहे हो? बर्तन बेच डालो। नहीं, मुझे बेच डाल रान, या फिर बच्चों को बेच डाल। है बोल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बोल क्या करूं, है क्या करूं, बोल तीरा गला दबा दूं या खुद धंधा डालकर पेड़ से लटक जाऊं? बोल बोल क्या करूं? नहीं बाबा, क्या करूं, बोल क्या करूं? कहते हैं कहते हैं वो जमीन हमारी नहीं है, हमारी नहीं है वो जमीन।
मालिक भैया लो चार पी लो। रख दे पी लूंगा, जब देखो रख दे पी लूंगा। सेहत देखी अपनी कितना कमजोर होता जा रहा है, हे भगवान क्या होगा इस लड़के का। मालिक ले तेरी चाय पी ली, अब गिलास ले जाके रख। तैयार है? यस सर। गुड मॉर्निंग राजन साहब, आपकी नींद में खलल डालने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, काम ही ऐसा है जो आपके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा लग रहा है ना? मैं आपकी आजादी का ही इंतजाम कर रहा हूं, बस आपको थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। इस कागज को पढ़ लीजिए और कैमरे के सामने बोल दीजिए। तो तैयार हैं आप? देखिए, अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप कहां हैं और आपको किसने अगवा किया है, और सरकार को हमारी मांगों का पता नहीं चलेगा तो आपकी आजादी नामुमकिन है। वक्त लगेगा, अभी कितना समय ही हुआ इसे यहां आए हो, भूखा प्यासा रखो इसे। कैमरा ऑन रख। अभी आपने जो कुछ भी देखा वो यहाँ रोज होता रहेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक आप हमारे दो नक्सली साथियों को छोड़ नहीं देते। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपके लिए दो नक्सलियों से ज्यादा जरूरी ये हिंदुस्तानी राजदूत है। जल्दी फैसला करिए, आप जितना देर करेंगे इसके शरीर में उतनी कीले जब्त होती जाएंगी। लाल सलाम। आजा बुढ़िया आजा। मौली मौली, साथ साथ चल, कहाँ भाग रही है? ए बुढ़िया, पकड़ेगी मुझको, मैं चिड़िया बन जाऊंगी। हट हरामजादी, अरे तेरी उम्र की थी, शादी हो गई थी मेरी, घोड़ी जैसी हो गई। अरे कुछ तो शर्म कर, कल को ससुराल जाएगी। दादी मैं चिड़िया बनकर उड़ जाऊंगी आसमान में, मेरा खसम मुंह बाए देखता रह जाएगा। मैं पंछी बन जाऊंगी, दूर गगन उड़ जाऊंगी, मैं बाबुल की बाबुल मीरा, मैं सज धज कर।
उसने कुछ नहीं किया। उसकी मौत माइंस फटने से हुई है। इसका मतलब है पुलिस वालों को हमारी बस्ती का पता चल चुका है। अब एक या दो दिन में वो हम पर धावा बोल देंगे। उनके आने से पहले ही हमें बस्ती खाली करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि राजन पुलिस के हाथों में पड़े। तुम 3-4 लड़कों को ले लो और रात होते ही इसे यहां से लेकर निकल लो। सुबह होते ना होते तुम मिर्जापुर में होगे। वहां अपने साथी हैं जिनसे कोई तकलीफ नहीं होगी। बचपन के दिन रूठ गए हैं, हाथ से रिश्ते छूट गए हैं। बचपन के दिन रूठ गए हैं, हाथ से रिश्ते छूट गए हैं। आए न जैसे टूट गए हैं, आए न जैसे टूट गए हैं, आए न जैसे टूट गए हैं। खुद को मिटता देख रहा हूँ, खुद को मिटता देख रहा हूँ, खुद को मिटता देख रहा हूँ। इधर आ रहे राम राम साहब। क्या बे, जंगल में भीड़ पीता है, आग लग गई तो? ये लकड़ी किससे पूछे काट रहा था? मालिक, हमारे सारे खेत छिन गए हैं। जो थोड़ी बहुत जमीन बची है वो ससुरी बांझ है, उस पे कुछ होता नहीं। अब ऐसी हालत में तो ये जंगल ही हमारा सहारा है मालिक। तुझे पता है हरे पेड़ काटना कानूनन जुर्म है? गरीब आदमी हूँ मालिक, मैं कानून क्या जानूँ, मैं तो सिर्फ भूख जानता हूँ। तेरी भूख से सरकार को क्या मतलब बे, ये जंगल सरकारी है,
पता है तेरे को ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। मालिक ये जंगल तो हमारे बाप दादाओं का लगाया हुआ है। कितने बाप दादा थे रे तेरे? तू किसी दूसरे की जमीन पर पेड़ लगा देगा तो क्या उसका मालिक तू हो जाएगा? हाँ? लेकिन मालिक ये जंगल तो हमारा सालों से भरण पोषण कर रहे हैं। मतलब तू कई सालों से जंगल की कीमती लकड़ी काट काट कर बेचता आ रहा है। तभी तो मैं कहूँ कि इस जंगल से चंदन शाखू और शीशम के कीमती पेड़ कहाँ गए हुए जा रहे हैं। साले लकड़ियों की तस्करी करता है। कितने आदमियों का गिरोह है रे तेरा? नहीं साहब मेरा कोई गिरोह नहीं है। मेरे परिवार में तो मेरी बीवी और एक छोटा सा बच्चा है। साहब उन्हीं के पालन पोषण के लिए लकड़ियां काटता हूँ। मैं कोई तस्करी वस्करी नहीं करता साहब। साले तुझे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। चाहो तो 200 केस बना सकता हूँ तेरे ऊपर। जिंदगी भर जेल में सड़ता रह जाएगा। सोच क्या होगा तेरे बच्चे और बीबी का। जाने दो ना साहब, जाने दो। क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रहे हो? साले तेरे लिए ये छोटी सी बात होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक शर्त पे तेरे को छोड़ सकता हूँ मैं। कैसी शर्त मालिक? Ah!
अबे यार सिकंदर, अबे इतनी रात में तुम्हारा चेहरा कौन देख रहा है? अबे नकाबट आना। अरे यार इतनी देर तक मैं अपना चेहरा ढके रहूं तो मुझे खुजली हो जाए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तबा, अल्लाह मेरी तबा, अल्लाह मेरी तबा, अल्लाह मेरी तबा। हाय हाय सदके जावा, भगवान ने क्या सूरत बनाई है। और यू अबे नन्नो, अबे गाड़ी क्या रोक दी? जिसे हल्का होना हल्का हो ले। चल भाई बाबूराव, हल्का हो ले। अबे उठना। अबे चलना, चल चल चल। अबे मेरी ऐसे जा रही है जैसे बंदूक की गोली। अबे गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी गाड़ी स्टार्ट कर। कहाँ गए साले? ढूंढो सालों को, ढूंढ निकालो एक एक को।
साले, अरे देखो क्या छिप रहे साले, अरे साले यहाँ क्या कर रहा है, ढूंढ के निकालो जंगल में, ढूंढ निकालो एक एक को। साले इतनी रात में मिलेंगे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अबे कोई मिला? ये अंधेरे में आग फोड़ रहे हो? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं मिला। जाने दो सालों को, अंधेरे में कहाँ जाएंगे, खुद ही मरेंगे। चलो वापस। मालिक बहुत दर्द हो रहा। मालिक तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, बहुत दर्द सर होता है। सवाल कर, जल्दी ले तू इसको यहाँ पे दबा के रख, मैं गोली निकालने का इंतजाम करता हूँ। तू चिंता मत करना, हाथ उठा। गोली निकल चुकी है, आराम मिल जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर ननु, सुबह तक तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Thank you.
नन्नो, ए नन्नो, नन्नो, चल उठ। वो मर चुका है। अबे चलना। मुझको साथी छोड़ गए सब, डोरी मरासिम तोड़ गए सब, गम से रिश्ता जोड़ गए सब, गम से रिश्ता जोड़ गए सब, गम से रिश्ता जोड़ गए सब, खुद को मिटता देख रहा हूँ, खुद को मिटता देख रहा हूँ, खुद को मिटता देख रहा हूँ। रुको रुको रुको, हम जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं। मतलब तुमने रास्ता नहीं देखा है? हम रास्ता भटक गए हैं। ओह गॉड, तुमने रास्ता नहीं देखा है, हम भटक गए हैं और फिर भी हम चले जा रहे हैं। देखो, इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम चलते रहे तो हो सकता है कोई गांव, बस्ती या कोई सड़क मिल जाए, और यह भी हो सकता है हमें कुछ न मिले। हो सकता है हम जंगल के और अंदर घुस जाएं, जहां से निकलना नामुमकिन होगा। बेहतर यही होगा कि हम अभी अपनी गाड़ी पर वापस लौट चलें। वहां गाड़ी नहीं, पुलिस वाले होंगे, और मैं किसी कीमत पर तुम्हें पुलिस वाले के हाथ नहीं लगने दूंगा। देखो, मुझे सिर्फ दो चीजें याद हैं। एक कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है तुम्हें हेडक्वार्टर पहुंचा कर, और दूसरा ये कि हमें पश्चिम दिशा में जाना है, जो कि हम जा रहे हैं। तुम्हें इस जंगल में दिशा कैसे पता चल रही है? हो सकता है यह पश्चिम नहीं, उत्तर या दक्षिण हो। इस समय पछुआ हवा चल रही है। ये कैसे पता ये पछुआ हवा ही है? क्योंकि हमारे होठ फट रहे हैं, जो कि पछुआ में ही होता है। अब चलो।
ए रुको रुको जरा, मुझे जाना है। कहीं नहीं जा सकते तुम। मेरा मतलब है मुझे लगी है, नहीं प्यास नहीं। मुझे लेटरिंग जाना है। ठीक है कर। ए वहां कहाँ जा रहा है, जो कुछ करना है सामने कर। यही तेरे सामने? हाँ सामने। भाग गया तो? मैं नहीं भाग सकता, आई मीन मैं भागने की कंडीशन में नहीं हूं। लेकिन झूठ तो बोल सकता है। डैम इट, देख मैं तेरे सामने नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मुंह तो उधर कर, जो कुछ करना है सामने कर। जाने दे, मुझे नहीं करना। ठीक है उस झाड़ी के पीछे चला जा, लेकिन याद रखना कोई होशियारी मत करना, तू मेरे निशाने पर है। Shit, man. Oh, that bloody shit. इसे भी अभी आना था। I mean, थोड़ी देर बाद आती, कहीं पानी वानी देख कर आती। चलो। कहाँ? उस पार। लेकिन किधर से? मतलब इस पानी में उतर के? पागल हो गए हो? मैं इस गंदे कीचड़ भरे नाले में उतरूंगा? इसमें इतने मच्छर होंगे, ना जाने कौन कौन से जहरीले कीड़े होंगे। इसमें घुसने का मतलब है बीमारी। हमारे पास कोई और रास्ता है? देखो आसपास कोई पुल होगा। तुम शायद भूल रहे हो, ये जंगल है, यहाँ कोई पुल नहीं होगा। फिर भी कुछ तो? कुछ नहीं। लेकिन मैं ज्यादा बहस करने का आदी नहीं हूं। ओह गॉड, ओह गॉड, गॉड। तैरना जानते हो? हाँ क्यों? जरूरत पड़ सकती है। ओह शिट।
वेल द हेल इज हियर। जो कुछ बोलना हिंदी में बोल। तेरे से कुछ नहीं बोल रहा हूं बाप। चलो अच्छा है सड़क मिल गई, अभी थोड़ी ना थोड़ी देर में कोई गाड़ी गुजरेगी इधर से तो लिफ्ट ले लेंगे। ऐसा कर, यहां से जल्दी निकल। क्या हुआ? जितना करा उतना कर, चल जल्दी चल। चल जल्दी चल। क्या हुआ सर? कमाल है, मुझे लगा किसी ने पुकारा। बहुत खतरनाक है सर जंगल, जितनी जल्दी हो हम लोगों को निकल लेना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि पुराने जमाने में जो राक्षस रहे होंगे वो तुम्हारे जैसे रहे होंगे? मैंने नक्सलियों के बारे में जितना सुना था, तुम लोग तो उससे भी ज्यादा क्रूर निकले। तुम्हारे अंदर जब अपने भाइयों के लिए प्रेम नहीं है तो दूसरों के लिए क्या होगी? तुमने उसे जंगल में ही छोड़ दिया, जंगली जानवरों द्वारा नोच नोच कर खाने के लिए। वो मर गया पर तुम्हारे चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। फगोटसे को तुम्हारा दोस्त था। मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। मिट गई खुजली? एक बात पूछूं, तुम लोग जानते हो तुम्हारी इस लड़ाई का क्या अंत है? एक बेहद तीखी और दर्दनाक मौत, बस एक गोली और सारी लड़ाई खत्म। फिर भी तुम लोग ये विद्रोह क्यों करते हो? क्योंकि अगर हम विद्रोह नहीं करेंगे तो भी मारे जाएंगे। लेकिन अपने ही लोगों से यह विद्रोह कैसा? अपनी ही सरकार से लड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? सरकार तुम्हारी भलाई चाहती है और तुम? सरकार हमारी भलाई नहीं चाहती, वो सिर्फ उन चंद बड़े नेताओं की भलाई चाहती है जिनके हाथ की वो कठपुतली है। तुम गलत सोचते हो, सरकार तुम्हें मुख्यधारा में लाने के लिए नई नई योजनाएं चला रही है। वो चाहती है कि तुम लोग भी आगे बढ़ो। तुम भी और लोगों की तरह सच का सिर्फ एक पहलू देखते हो। योजनाएं बहुत सी चलती हैं मगर हम तक पहुंचती एक भी नहीं। वो कागज पर बनकर कागज पर पूरी कर ली जाती, हमारी जमीनें छीनकर जंगल काटकर उन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं और हमसे कहा जाता है आप लोगों को काम मिलेगा, पर मिलता किसी को नहीं। और जिन्हें मिलता है उन्हें मजदूरी इतनी कम मिलती है कि गुजर बसर होना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे हालात में जिन हाथों में छेनी हथौड़ी होनी चाहिए उनमें बंदूकें नहीं तो और क्या होगा? लेकिन बंदूक हर चीज का इलाज नहीं है। बंदूक ही इलाज है। आप हमारा खून चूसना बंद कर दो, हम आपको मारना बंद कर देंगे। तुम्हें किसी को मारने का हक किसने दिया? हमने दिया, हमने दिया खुद को यह हक।
जो हमारा खून चूसेगा हम उसे मार देंगे, मार देंगे या मर जाएंगे, लेकिन ये जिल्लत और नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बातचीत से भी तो हल नहीं कर सकता है। हमें नहीं करनी कोई बातचीत, हमें नहीं आना है मुख्य धारा में, हम जैसे भी हैं हमें जीने दो, बस हमें बख्श दो। चलो मान लिया कि जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उन्होंने बंदूकें उठा ली, मगर क्या जितने लोगों ने बंदूकें उठाई है सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है? तुम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको बहला फुसला कर आतंकवादी बनाया जाता है? तुम्हारे भाई या दोस्त को कोई मारे तो तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ क्या करोगे, तुम उसे लेकर के उन लड़कों की पिटाई करोगे जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, यही करोगे ना? हाँ। क्यों, उन्होंने तुम्हें तो नहीं मारा, फिर तुम क्यों लड़ाई करोगे? क्योंकि जो अत्याचार आज उन पर हुआ है कल को तुम पर भी हो सकता है। कुछ भी हो, छोटी मोटी मारपीट और किसी की जान लेने में बड़ा फर्क है। मैं किसी की जान लेने के बजाय शांति से बैठकर समस्या को सुलझाने पर जोर दूंगा। तुम्हारी कोई प्रेमिका है? हाँ। शादी उसी से करोगे? अगर तुम लोगों की कैद से बच गए तो अगले महीने मेरी शादी है। तुम्हारी शादी हो रही, पुलिस वाले तुम्हें मंडप से उठा ले जाते, क्यों? क्योंकि सही मजदूरी ना मिलने पर तुमने अपने फैक्ट्री मालिक को हड़ताल की धमकी दी। तुम्हें थाने में बंद करके बुरी तरह पीटा जाता है, और जब तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें छुड़ाने की गुजारिश करने थाने पहुंचती है तो तुम्हें छोड़ने के एवज में 17 पुलिस वाले उसके साथ बलात्कार करते हैं। तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी बीवी, जिसके साथ 17 गैर मर्द बलात्कार करते हैं, उसके बाद तुम छोड़ भी दिए जाते हो तो क्या सो पाओगे अपनी बीवी के साथ? उसके बाद जब भी मैं अपनी मोहनी के साथ सोया मुझे घिन आती थी अपने आप से, शर्म आती थी अपनी मर्दानगी पर। मार दिया मैंने उन 17 हरामजादों को। ये क्या है? ये जोंक है। जोंक? हाँ, ये एक तालाबी कीड़ा है। इसकी खासियत ये है, ये आपका खून चूसता है, मगर आपको दर्द बिल्कुल
मतलब ये मेरा खून चूस रहा है। अरे निकालो इसे, निकालो निकालो इसे। तुमने उसे मार क्यों दिया? अरे वो मेरा खून चूस रहा।
बहुत गहरा है साला। चले एक काम करो, तुम जाओ और गांव वालों से कुछ खाने पीने का सामान लेके आओ। पूछें तो कह देना कि हम भटके हुए मुसाफिर हैं। और सुनो, कोई होशियारी मत करना, याद रहे तुम मेरे निशाने पे हो। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। आप लोग जंगल में कैसे भटक गए? दरअसल चौड़ी हाँ रख दो। दरअसल हम नक्सलवादियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, इसी सिलसिले में हम जंगल में आए थे। हम दोनों अपनी यूनिट से बिछड़ गए और भटक गए। साले आदमी है कि राक्षस, 17 कचौड़िया एक खा चुका है और 22 दूसरा। चुप कर, खाते समय गिनते नहीं। ठीक है, नहीं गिनता, वैसे भी बनाना तो आपको ही है। अच्छा, तो आप लोग फिल्म वाले हैं? जी हाँ। बुरा न मानो तो एक सलाह दूं, इन नक्सलवादियों के चक्कर में आप ना ही पड़े तो अच्छा है। आप लोग बिल्ली के गले में घंटी बांधने आए हो? अरे ये साले किसी के नहीं होते। कचौड़ी,
चलो अच्छा हुआ, सालों ने बस तो किया। चुप कर बाबा। अच्छा प्रधान जी, अब हमें इजाजत दीजिए और भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात ढलने में ज्यादा वक्त नहीं है, अपने को फिर से उसी जंगल के हवाले करने जा रहे हो जिससे बच्चे यहाँ पहुँचे हो। आज रात हमारे मंगरू भाई के बिटिया की शादी है, रात रुको, मौज करो, सुबह जुगन आपको स्टेशन छोड़ देगा। लेकिन अरे हमें आपके रुकने में खुशी होगी, आखिर नमक खाया है अदागी कौन करेगा। ठीक है। मार इसको। एक पुलिस कहां से आ गई? मार इसको। मार इसका गिरी को मार साला। ले चल मार दे इसको। ये क्या कर रहा है? ये कहां चला रहा बे? मार मार साला को। ये तो गिरी करता है। ये तो गिरी करता है। मार साला को। ले चल। Thank you.
चल, छोड़ दूंगा मैं उसे, क्या करें, आखिर प्यार का मामला जो ठहरा। पर एक समस्या है, इस ससुरा कानून बीच में आ जाता है। जमानत लाई है? जमानत? हाँ, 15,000 रुपए। चल, तेरी परेशानी दूर कर देता हूँ, मैं एक भी पैसे नहीं लूंगा, बस मुझे अरे शर्माती क्यों है? वैसे भी हमें कांटे थोड़ी न लगे हैं, वैसे चमड़ी ही तो है ससुरी। अब सुनिए लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण। बापू ने जो पिछड़े वर्ग की उन्नति, उनकी समानता का सपना देखा था, हम उसे पूरा कर रहे हैं। आज हम सर उठाकर कह सकते हैं कि हम आजाद हैं। आज चारों ओर समानता का युग है। हम शोषण, गरीबी, भुखमरी मिटाने को संकल्पबद्ध हैं। आज कोई भी गरीब भूखा नहीं है। आज हर आदमी के सिर पर छत है, हर आदमी के पास पहनने के लिए कपड़े हैं। न कहीं अत्याचार है, न कहीं गरीबी है, न कहीं शोषण। आज कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग सिर उठाकर कर सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में भारत विश्व के अग्रणी देशों में खड़ा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। माड़ी, माड़ी, आ
सुहाग पर से बने तोरे अंगनवा, सुहाग पर से बने तोरे अंगनवा,
अच्छा प्रधान जी, अब तो इजाजत है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अच्छा, अब कब आइएगा? जब दोबारा जंगल में भटक जाएंगे। ये जुगुन आप लोगों को स्टेशन छोड़ आएगा, कुल 5 किलोमीटर की दूरी है, और इस झोले में कुछ खाने पीने का सामान है, रख लीजिए, सफर में काम देगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, अब चलें। नमस्कार। काफी भले लोग थे गांव वाले। आप भले लोग हैं, वरना कोई गड़बड़ होती है तो 200 बंदूकें निकलती हैं हमारे यहाँ से, और पहली गोली तो मैं ही चलाता। अच्छा, तो तुम बंदूक चलाना जानते हो? बंदूक, बंदूक क्या चीज है, बम चला लेता हूँ मैं, बम। एक बार हमारे गांव में डाकू घुस आए थे, 10-10 डाकुओं को तो मैंने अकेले मार गिराया था। बंदूक, गोली, बारूद, बचपन से इन्हीं चीजों से खेलता आया हूँ मैं। कहीं फिल्म में गोली बारूद चलाने वाला काम हो तो जरूर बताइएगा। बताएंगे बताएंगे। लगता है बारिश होगी, जल्दी चलिए। हाँ, बूंदे तो पड़ रही हैं। अच्छा, क्या आपकी फिल्म में हीरोइन हीरोइन है? हाँ। और वो भी क्या औरों की तरह छोटा छोटा कपड़ा पहनती हैं? और क्या, और वो कपड़ा क्या आप लोग ही देते हैं? हाँ, और कौन देगा। अच्छा, आप ही के सामने बदलती भी हैं? हाँ, और क्या, बिल्कुल सामने तो। नहीं नहीं, ये नहीं होता होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट रुकना, कहाँ जा रहे भाई साहब, टट्टी वट्टी लगी है क्या? डाकू, डाकू, अरे सुनो, अरे रुको तो, डाकू, 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 डाकू। अब रास्ता कैसे पता चलेगा? अरे छोड़ो, उसे कौन खाएगा? चलो। कहाँ? पश्चिम की ओर। सुनी रही जा you.
अब चल। वो वाली अब ये पकड़। कौन है? हाथ ऊपर करो और बाहर आओ। कौन हो तुम लोग, फौजी या नक्सली? भटके हुए मुसाफिर। ठीक है, अंदर आ जाओ। थैंक गॉड। We are ready, sir. हमें मिर्जापुर जाना है। देखो, जंगल के रास्ते जाना खतरनाक है। तुम लोग मेरी नाव ले लो और नदी के रास्ते निकल लो। वहां रास्ते में एक छोटा सा झरना मिलेगा, वैसे उसे झरना नहीं कहते। वह पत्थरों से भरी एक जगह है, वहां 2-3 फीट ऊंचाई से पानी गिरता रहता है। तुम लोग लगभग 12 बजे पहुंच जाओगे। नाव को दाहिनी तरफ लगा लेना। वहां से 15 मिनट जंगलों में चलने के बाद एक सड़क दिखेगी। सड़क पर पहुंचकर मिर्जापुर के लिए कोई सवारी पकड़ लेना। वहां से लगभग 3 घंटे का रास्ता है। रास्ता समझ गए हो ना? जी हाँ। मेरी नाव वहां नदी के किनारे है। और सुनो, अपनी बंदूकें ले लो। Oh.
गगन उठ। एक काम कर, बंदूक यहाँ छिपा दे, जल्दी कर। कहाँ जाओगे? मिर्जापुर। पैसे हैं? सोना है? असली है। ठीक है, बैठ जाओ। रोक लेना भाई, रोक लेना यहाँ। हाँ लेकिन, अरे रोकना भाई, रोकना है? अरे रोको रोको, रोक लो रोक लो। आपको तो मिर्जापुर जाना था। नहीं, हमें यहीं उतरना। लेकिन यहाँ नक्सलियों का इलाका है, काफी खतरनाक जंगल है। मालूम है, आप यहीं रहते? हाँ।
मतलब आप, माफ कर देना बाबू साहब, माफ कर देना, गलती होगी बाबू साहब, माफ कर देना। चल भाग, चल पहले, निकल जल्दी, जल्दी कर, जल्दी कर। शुक्रिया। किस लिए? इसके लिए। मिली नाम है इसका। तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रुकवाई? ये जगह मेरी देखी हुई है और हम शहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। पर हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे हेडक्वार्टर। माणिक, एक बात पूछूं? अगर सरकार ने तुम्हारे आदमियों को नहीं छोड़ा तो तुम लोग मेरा क्या करोगे? हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो यही है तुम्हारा हेडक्वार्टर? तो चलें। ये मेरे आदमी नहीं है। आपने तो कमाल कर दिया साहब, एक झटके में पूरा हेडक्वार्टर हाथ में लग गया। लगता है हेडक्वार्टर पर पुलिस का कब्जा हो गया है। अरे ये तो रणवीर है। रणवीर? हाँ, ये मेरा दोस्त है। माणिक प्लीज
जाने देना यार, जाने दे मुझे प्लीज। ठीक है जा। राजन, मिली से मिलना तो सलाम कहना उसे मेरा। अरे ये तो राजन है। आइए सर, आइए। बचपन वो मेरा लौटा दो मुझको, आवाज देकर बुला लो मुझको। बचपन वो मेरा लौटा दो मुझको, आवाज देकर बुला लो मुझको। जिंदा हूँ मैं भी बतला दो मुझको, जिंदा हूँ मैं भी बतला दो मुझको, जिंदा हूँ मैं भी बतला दो मुझको। अब मैं जीना चाहता हूँ, अब मैं जीना चाहता हूँ, अब मैं जीना चाहता हूँ, अब मैं जीना चाहता हूँ।
जिद मत कर, आजा, वापस चल, पानी बहुत गहरा है, डूब जाएगा बेटा।